ये है मुंबई का मेन जेजे हॉस्पिटल। ये है जेजे हॉस्पिटल का, देखो इस तरह का प्रमाण पत्र दे देने का और इसमें लिखने का कि वस्तु गाड़ना है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा लड़का, उसको ब्रेन टीबी हो गया तो इमरजेंसी वार्ड में लेके गया, वो 4 नंबर जो वार्ड दिखाई दे रहा है उधर लेके गया, एडमिट किया तो उन लोग का टेस्टिंग वगैरह सब चालू था। उसके बाद में रात को 10-11 बजे वो अनकॉन्शियस ही था, मतलब होश में नहीं था ज़्यादा, तो वो मोबाइल बाजू में रख के सो गया। तो बाजू से उसका बेड वार्ड नंबर 4 से, यानी इमरजेंसी वार्ड है वो, कैजुअल्टी वार्ड, उसके अंदर से उसका बेड में से जाके मोबाइल चोरी करके कोई तो लेके गया। अभी वहाँ पे पुलिस वाले बहुत है, गार्ड्स बहुत है, या किसी को दिखाई नहीं दिया। उन लोग को कंप्लेंट किया, जेजे हॉस्पिटल वाले को कंप्लेंट किया तो बोलते पुलिस स्टेशन जाओ। अब पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस स्टेशन में मिसेस गई तो उसको ये पावती दे दिया। अब इसमें क्या लिखा है, या ठिकाणी खाली नमूद वस्तु पड़ून गाड़ डाले, चोरी हो गया है और रिपोर्ट बता रहे हैं कि मोबाइल उधर गिर गया करके, यानी कि एफआईआर करने का नहीं है, चोरी का मामला लिखने का नहीं है, खाली ऐसी लोगों को लिख लिख के दे देने का कि मोबाइल गिर गया करके, जबकि उधर चोरी हो गया। और जेजे हॉस्पिटल वाला बोलता है यहाँ पे बहुत चोरी होता है मोबाइल का, तो सबको ऐसा एक लेटर बना के दे देने का, बोलेगा बैठो फोन आएगा तो आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है, फिर पुलिस ड्यूटी क्या करते हैं, लॉस्ट मोबाइल, लॉस्ट एक अलग बात होती है, मोबाइल थेफ्ट एक अलग बात होती है। चोर ने मोबाइल चोरी करके लेके गया, वो भी वार्ड के अंदर से, इमरजेंसी वार्ड के अंदर से, कितने शर्म वाली बात है। और वहाँ पे CCTV लगा हुआ है, अभी उसमें एक पुलिस ऑफिसर है या कौन है पता नहीं, एक शिंदे नाम का, उन्होंने ये नंबर दिया और उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया। बातें बोलते हैं हाँ ठीक है वो करते हैं करके, ये करते हैं करके। उसके बाद में उनको 50 बार मिसिस ने फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने फ़ोन किया, मैं खुद एक वकील होने के बाद मैंने फ़ोन किया आज 3-4 बार तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, और ना ही वो CCTV देखने का आ रहा है। ऐसा बोलता है कि उसका नाइट ड्यूटी है, वो 11 बजे आता है और सुबह वो CCTV देखने को जाता ही नहीं है। अभी ये मामला हो गया 23 तारीख को, आज 25 है, 2 दिन होने के बाद में भी एक आधा घंटे का काम है जाके CCTV में देखने का कौन है वो चोर को पकड़ने का, कोई मामूली तो नहीं रहेगा ना, कोई रिलेटिव ने उठा के लेके गया या कोई उधर चोर लोग हैबिचुअल है तो वो उसको पकड़ सकता है, लेकिन पुलिस को कुछ करने का नहीं है, लॉस्ट करके एक रिपोर्ट देने का यही चल रहा है। जेजे हॉस्पिटल में मोबाइल की चोरी, और सर जेजे मार्ग पुलिस थाने को कोई चिंता है ही नहीं, ना FIR करने का ना CCTV देखने का, इतना इजी केस होने के बाद में भी केयरलेसनेस दिखा रहे। तो इसके ऊपर से मैं कंप्लेंट भी अभी लिख के भेज रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ा तो देन आई विल मूव हाई कोर्ट। ऐसे ऑफिसर लोगों को पुलिस ड्यूटी करना नहीं है, कुछ नहीं है, पब्लिक को खाली पकड़ का पागल बनाने का बस यही काम है, कुछ काम मत करो। मोबाइल चोरी का ये मोबाइल गिर गया करके बताने का, चोरी करके नहीं बताने का।